नमस्कार साथियों, टेक्निकल गियर में स्वागत है। मैं संदीप नोखवाल। अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक हुआई के डेटा कार्ड। डेटा कार्ड की खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी किसी कंपनी का फ़ोन हो, नेट स्लो चल रहा है और आपके पड़ोसी का नेट फास्ट चल रहा है, सबसे पहले कई बार क्या होता है कि नेटवर्क भी स्लो होता है, तो अगर कंपेयर करना हो, अगर आपके पास दो फ़ोन हैं सेम, आप स्पीड टेस्ट करेंगे, अगर आपके फ़ोन में नेट स्लो चल रहा है, एक फ़ोन में फास्ट चल रहा है, स्पीड टेस्ट में फास्ट रिजल्ट आता है, तो आपको क्या करना है, स्लो नेट का क्या प्रॉब्लम है, आप मोबाइल तो चेंज कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप डेटा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा कार्ड के अंदर हाई स्पीड मोडम होता है जिससे आप अच्छी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आप नेट चला सकते हैं। तो जैसे कि डेटा कार्ड मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, ये मैं इसको बाहर निकालूंगा एंड और इसका जो प्राइस होता है डेटा कार्ड का साथियों, लगभग आपका 3000 के आसपास प्राइस होता है, काफ़ी बार 200 रुपये नीचे, 200 रुपये फालतू। ये अनलॉक डेटा कार्ड है, इसके अंदर आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो हुआई बेस्ट डेटा कार्ड कंपनी का अगर आपको लेना है तो हुआई का है, जिसकी मॉडम स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और ये डेटा कार्ड आ चुका है और मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, डेटा कार्ड ओपन करता हूँ कि कैसा डेटा कार्ड आपको मिला है। दोस्तों मैं इस डेटा कार्ड यूज़ करता हूँ, काफ़ी डेटा कार्ड मेरे पास है और इस बार जो आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग कराऊँ वो है हुआई का डेटा कार्ड। फ़ोन से काफ़ी बेहतरीन स्पीड आपको मिलेगी, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है दोस्तों, फ़ोन में काफ़ी, अगर आपके पास महंगा फ़ोन है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, लेकिन महंगा फ़ोन के अंदर भी स्पीड स्लो हो जाती है गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारा फ़ोन हीटअप हो जाता है, हीट जनरेट करता है, जिसके कारण आपकी नेट की स्पीड या मॉडम की स्पीड स्लो हो जाती है और आप वो स्पीड प्राप्त नहीं कर पाते जो आपको चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है अपलोडिंग स्पीड की, और कई बार हम वीडियो देख रहे होते हैं हाई HD क्वालिटी में भी हमें हाईएस्ट स्पीड की ज़रूरत होती है। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा, इसके द्वारा आप अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो जाएगी, सिर्फ आपको 3000 रुपये ही इन्वेस्ट करने होते हैं, तो वो अपनी चॉइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेटा कार्ड के अंदर मेरे को क्या मिला है दोस्तों, एक तो मैनुअल मिला है जो किसी काम का नहीं होता, एंड एक मेरे को डेटा केबल मिली है जिसके आप इसको चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये डेटा केबल है तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे साइड में, एंड ये मेरे पास डेटा कार्ड है, काफ़ी लाइट वेट है और इसको आप बाहर निकालेंगे तो थोड़ी, मैं इसका सीजर का यूज़ करता हूँ और तो हाईएस्ट पैकिंग दी है फ्लिपकार्ट वालों ने। तो साथियों ये जो डेटा कार्ड आपको काफ़ी लाइट वेट है, बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 6 घंटे का इसके अंदर बैटरी बैकअप भी आपको मिलेगा, 6 से 7 घंटे। और मैं इसको दिखाता हूँ इसकी बैटरी कैसी इसके अंदर बैटरी है। तो साथियों सॉरी फॉर दिस, इसके अंदर जो बैटरी है वो बाहर निकली हुई बैटरी आती है, आप देख सकते हैं कंपनी की मार्किंग है, हुआई की मार्किंग है, तो इस बैटरी का आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप डेटा कार्ड यूज़ ना कर रहे हो तो बैटरी बाहर निकाल के रख दें। और मैं आपको बताऊंगा कितने mAh की बैटरी आपको मिलती है, एंड इसके अंदर 1500 mAh की बैटरी आपको मिली है, जिसका आपको 6 से 7 घंटे डेटा कार्ड बैकअप दे देगा। एंड आपको बैटरी इंसर्ट सिम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, आपको बड़ा साइज सिम इंसर्ट करनी है और आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद बैटरी को इंस्टॉल करेंगे एंड आप इसको जो पैकिंग कर देंगे। अब मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ, तो ये डेटा कार्ड मेरा ऑन हो चुका है, आप इंडिकेटर देख सकते हैं ब्लिंक हो रहे हैं, सिम मैंने इंसर्ट नहीं की है और इसके आप हाई स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिव्यू की वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जुड़ जाइएगा टेक्निकल गियर के साथ। जय हिंद।